फतेहपुर जिले में वर्ग विशेष के लोगों ने एक दलित युवक को आम की पत्ती तोड़ने पर पहले तो बेरहमी से मारा पीटा, उसके बाद दलित युवक पर सोने की जंजीर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस से प्रताड़ित करने की नापाक साजिश रची, जिससे आहत होकर दलित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला मलवा थाना क्षेत्र के अस्ता गाँव का है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मां कलावती का कहना है कि उसका 28 वर्षीय बेटा धर्मपाल दिवाकर बकरी चराने के लिए जंगल की तरफ गया था, तभी गांव के सलमान और नूर मोहम्मद ने उसके बेटे पर आम की पत्ती तोड़ने का आरोप लगाकर बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध कर बीच बचाव करना चाहा तो दबंगों ने उसके साथ भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज किया और UP 112 पर कॉल कर उसके बेटे पर सोने की जंजीर छीनने का झूठा आरोप लगा दिया, जिससे आहत होकर उसके बेटे ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। वहीं इस मामले में मृतक युवक का पिता रामपति दिवाकर ने बताया कि गांव के नूर मोहम्मद और सलमान ने उसके बेटे पर पहले तो आम की पत्ती तोड़ने का आरोप लगाकर जमीन पर पटक पटक कर बेरहमी से मारा पीटा और फिर बाद में UP 112 पर फोन कर उसके बेटे पर सोने की जंजीर चुराने का झूठा आरोप लगाया। जब आरोपीगढ़ पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचे तभी उसके बेटे ने दबंगों के उत्पीड़न से आहत होकर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे के शव को फंदे पर लटकता देख पुलिस और आरोपीगण मौके से चले गए। वहीं इस मामले में SP सतपाल अंतिल ने बताया कि मलवा थाना क्षेत्र के अस्ता गांव में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को सामने परिवारजनों द्वारा आरोप लगाया कि दोपहर में इसका कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते युवक ने फांसी लगा ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर मुख्य दो आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बकरी चरावा था जी, तो बकरी कहीं के पत्ता झोर दी थी। वही मैं कहा हमारे पत्ता कहे झोर है। गाड़ी गाड़ी और क्या ने मारे ने गिरा गिरा छाती में चढ़ चढ़ नटाई था। वहाँ पकड़ पकड़ पहटा कर हिले ने छुटा छुटा बता जो कहो तो छोड़ नहीं रहे काम का बहुत सड़ी वाले का लात कहीं से पटा। ठीक है, कल लात कहीं से जाई तो जान निकाल ले। फिर हम कही जब तुम मर गई हो तो तुमका बात के निपटे में का हुई इतनी बात हमसे भाई। ठीक है, फिर लड़के ने क्या किया? लड़का भाग गया हुआ वहाँ से। कब को नहीं कुछ को कहे ना। अब रोवत रहा एक तो लग जाइए छीन लेन पुलिस वाले कहन की बताते एक तो लग जाइए छीन लिए। सबसे पूछे रहे उनका हम को नहीं दिखाएगा जंजीर पहले जंजीर फरी का तो नहीं चला था। तो बस वही मैं नहीं बता तो सब गलिया होता है पुलिस वाले कहा की बहुत सारी वाले को बताओ नहीं। पुलिस पुलिस वाले किनके बुलाने पे आए थे? उनकी कैसे आ रहे हैं? क्या बोल रहे थे आके? कहते हैं कि एक तो लगी जंजीर चोरा ली है, एक तो लगी जंजीर चोरा है कहा कोई दिखा पहने तो सबको जितना जनता ठा रहा कहा हम साहेब नहीं दिखा तो जंजीर पहने। रात दिन गाड़ी चलाओ से जंजीर पहन कब चला थे ठेगरी लगा लगाई कपड़ा पहने जंजीर कब पहन के चला। देखिए मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अस्था गांव में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने फांसी लगाई है। जिस सूचना पर थाना प्रभारी और COCT मौके पर पहुंचे, वहां पर परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया कि दोपहर को इसका कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते इसके द्वारा फांसी लगाई गई। इस कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनमें से जो मुख्य दो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।